नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता दीवान और आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की गुरुवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। सिवनी जिले में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में कलेक्टर के निर्देश, अधिकृत व्यक्तियों को ही जारी प्रवेश प्राधिकार पत्र के आधार पर मतगणना स्थल पर दिया जाएगा प्रवेश। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बैग, पर्स मतगणना स्थल में रहेंगे वर्जित। पन्ना जिले में मतगणना संबंधित व्यवस्थाओं की कलेक्टर ने की समीक्षा। अनूपपुर जिले में प्रेक्षक श्री रंजन कुमार ने मतगणना केंद्र में तैयारियों का किया निरीक्षण। और उमरिया जिले में उमरार नदी के कायाकल्प अभियान में कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी ने किया श्रमदान। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की गुरुवार को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। जिला मुख्यालयों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आयोग ने मतगणना में लगे अधिकारियों, गणना सुपरवाइजरों एवं गणना सहायकों को निर्देशित किया कि मतगणना का कार्य गंभीरता पूर्वक नियमानुसार करें। मतगणना हॉल में प्रत्याशियों के एजेंट प्रत्येक टेबल के सामने उपस्थित रहेंगे। मतगणना कार्य एजेंटों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी मतगणना स्थल पर तैनात रहेंगे, जो कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संसाधनों से लैस रहेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त किए गए प्रेक्षक मतगणना की प्रत्येक कार्रवाई पर पैनी निगाहें रखेंगे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार गणना स्थल पर क्लोज सर्किट टीवी से मतगणना कार्रवाई पर नजर रखी जाएगी और प्रत्येक टेबल पर हो रही गणना की वीडियोग्राफी की जाएगी। सिवनी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में अधिकृत व्यक्तियों को ही उनके जारी प्रवेश प्राधिकार पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश मतगणना स्थल पर नहीं हो सकेगा। मतगणना स्थल पर अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, गणना कार्य में संलग्न सभी अमला अधिकारी, कर्मचारी मोबाइल के साथ मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनके मोबाइल भार के काउंटर पर जमा करने की सुविधा रहेगी। कोई भी व्यक्ति गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बैग, पर्स के साथ मतगणना स्थल पर नहीं आए। पन्ना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज खत्री की अध्यक्षता में मतगणना के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विधानसभा वार मतगणना की जिम्मेदारियों एवं तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि मतगणना कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्री गणना टेबलों पर उपलब्ध करा दी जाए। वीवीपीएट की गणना के लिए इस तरह की व्यवस्था की जाए कि पर्चियां उड़े नहीं। मतगणना के दौरान कंट्रोल यूनिट को गणना के दौरान इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि मतगणना कक्ष में उपस्थित मतगणना अभिकर्ताओं को ठीक तरह से दिखाई दे सके। उन्होंने मतगणना स्थल पर आवश्यक साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल की उपलब्धता एवं फायर ब्रिगेड की व्यवस्था के संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए। आवश्यक पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए गए। लोकसभा निर्वाचन में अनूपपुर जिले हेतु नियुक्त प्रेक्षक रंजन कुमार ने मतगणना केंद्र शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में मतगणना की तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर एवं रिटर्निंग अधिकारी शहडोल संसदीय क्षेत्र चंद्रमोहन ठाकुर ने प्रेक्षक को समस्त व्यवस्थाओं की जानकारी प्रदान की। प्रेक्षक श्री रंजन कुमार ने मतगणना अधिकारियों, कर्मचारियों, अभ्यर्थियों एवं उनके अभिकर्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश की व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण किया। नदी पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत उमरिया जिले में कलेक्टर श्री स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन में जिला मुख्यालय उमरिया में उमरार नदी का जीर्णोद्धार एवं सफाई अभियान का संचालन नगर पालिका उमरिया द्वारा जन सहभागिता के साथ किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 9 बजे एवं शाम 4 बजे से 6 बजे तक श्रमदान के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने नगर पालिका उमरिया के कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ श्रमदान किया। उन्होंने नगरवासियों से अपील की है कि अपने नगर के जल स्रोतों एवं जल संरचनाओं में अविरल जल धारा बनाए रखने हेतु स्वेच्छा से श्रमदान में भाग लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।